हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मीठी बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप कभी भी प्रसाद के रूप में या कभी भी आपको मीठा खाने का मन हो घर पे बनाइए। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमने एक बॉल बेसन लिया है, यानी कि चने का आटा। इंग्लिश में इसे ग्राम फ्लोर भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बोल पे ऐसे एक झरनी रख लेंगे। ये भी प्रोसेस बहुत जरूरी है बूंदी के लिए। इससे क्या होता है, बेसन में जो दाने दाने जैसे होते हैं वो अच्छे से झाड़ने के बाद फूट जाते हैं। फिर तो इसकी घोल बनाने में बहुत आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं, हम चम्मच की मदद से ऐसे बेसन झाड़ ले रहे हैं। मैं आपको यही दिखाने के लिए ये प्रोसेस बताई। आप देख सकते हैं, बेसन में ऐसे रोड़े बन जाते हैं, यानी कि बेसन बहुत बारीक होता है। तो पाउडर बनाते टाइम ये थोड़ा सा रोड़ेदार हो जाता है। तो इसे हम झाड़ लेते हैं, फूट जाता है। इसी के लिए हमने ये प्रोसेस आपको दिखाया। ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, पर ये दाने फूट गए, आपने देख लिया, हमने बेसन झाड़ लिया है। अब चलिए हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डाल के एक बेटर बनाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ऐसे बेसन को घोलेंगे। एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं, फिर तो बूंदी अच्छे से नहीं तैयार होती है। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका बेटर तैयार करेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा विक्स, हैंड विक्स लेके और इससे भी बेटर तैयार कर सकते हैं। इससे भी ये अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाता है। तो आपके पास है तो इससे कीजिए, नहीं तो चम्मच से भी ये तैयार हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और अच्छे से इसे बीट करेंगे। हमें इतना बीट करना है कि बेसन एकदम हल्का हो जाए। हमने बेसन को अच्छे से फेंटा है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, कैसा बेटर चाहिए हमें बूंदी के लिए। देख सकते हैं, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बूंदी के लिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें आधी चम्मच तेल। ये कुकिंग ऑयल है, आप जो भी तेल खाते हैं वही डालिए। केवल मस्टर्ड छोड़ के, उससे कड़वा टेस्ट आता है। और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तेल डालने के बाद हम यहाँ पे फूड कलर यूज करेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक पिंच फूड कलर लिए हैं। इसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, पर फूड कलर डालने से थोड़ा सा देखने में कलर अच्छा आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इसे भी हम अच्छे से घोल में मिक्स करेंगे। तो इसे घोलने में हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा, तभी अच्छे से ये कलर मिक्स होगा। आप देख सकते हैं, चेंज हो गया अपना बेसन का घोल का कलर। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। हमने कलर को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अपनी बेसन जो है अच्छे से फूल जाएगी, तब हम इसकी बूंदी बनाएंगे। जब तक अपना बूंदी का बेसन रेस्ट करता है, तब तक हम लोग चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक बॉल रख लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो 4 चम्मच शक्कर और बढ़ा दीजिए, और मीडियम मीठा पसंद है तो ये परफेक्ट माप है। हम लोग घर में मीडियम ही खाते हैं, इसके लिए
सही माप लिया है। अब हम इसी कटोरी में 3/4 पानी लेंगे, यानी कि हमें भर के पानी नहीं लेना है। अब जिस बर्तन से मेजर करें यही माप रखिए। हम शक्कर में पानी को डाल लेंगे, गैस को ऑन करके और चलाते हुए हम शक्कर को गलाएंगे, नहीं तो पेंदी में शक्कर लग जाता है। आप देख सकते हैं हमने चलाते हुए शक्कर को पिघला लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। हमें चाशनी नहीं चाहिए, जस्ट इसमें हल्का सा चिपचिपाहट आना है, उतना ही हमें इसे बॉयल करना है। ये भी प्रोसेस हम चलाते हुए करेंगे। ये 3 से 4 मिनट में हो जाता है, अपने फ्लेम के ऊपर होता है। तो चलिए हम आपको 3 मिनट बाद बिल के बताते हैं। आपने देख लिया हमने 3 मिनट तक चाशनी को उबाल लिया है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, चम्मच को हमने ठंडा होने दिया, हाथ को ऐसे चाशनी में डुबोया, उंगली को फिर ऐसे, बस ये लस लस लग रहा है, यानी कि जैसे अपना मध लगता है वैसे ही चिपचिपा हुआ है, कोई तार नहीं बन रही है। तो बस ऐसी ही चाशनी चाहिए हमें बूंदी के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पीस, अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच फूड कलर। यहाँ पे आप केसर भी डाल सकते हैं, पर फूड कलर से कलर थोड़ा बढ़िया आता है, हमें कैमरे में दिखाना है तो हम फूड कलर यूज कर रहे हैं। आप देख लीजिए अपनी चाशनी का कलर कितना बढ़िया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कूटी हुई इलायची और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी अपनी तैयार है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चलिए हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम अपना बूंदी का वेटर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी वेटर अच्छे से फूल चुकी है और ये अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है। अगर आपकी वेटर गाढ़ी हो तो 1 चम्मच पानी डाल के फिर से घोल लीजिए, अगर अच्छी है तो बस ऐसे ही चाहिए हमें। तो चलिए अब हम इसे झाड़ना बताते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी, बूंदी बनाने के लिए हमें कैसे झाड़े की जरूरत होती है। हमने ये झाड़ा लिया है, ऊपर से तो ये बिल्कुल चिकना है पर पीछे की तरफ ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, ये आपको दिखा देती हूँ। यही तरीका है कि अपनी बूंदी हलवाई जैसे गोल गोल तैयार होती है। यहाँ पे आप चाहें तो कद्दूकस का भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास ऐसा झाड़ा अवेलेबल है तो मैं इससे बना के आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तेल को हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अपनी गर्म हो चुकी है। तो तेल को हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, आपके हाथ में हल्की सी हीट आनी चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा भी गर्म तेल नहीं चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। अब हम इसके ऊपर ये झाड़ा रखेंगे और बोल में से हम एक छोटी कटोरी हो या कोई चम्मच हो उसमें से बेटर लेंगे और इसके बीचों बीच डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने झाड़ा की दूरी न ज्यादा ऊंचा रखा है न ज्यादा नजदीक, और कितनी बारीकी से ये बूंदी गिर रहा है, बिल्कुल गोल गोल हलवाई के जैसे। हमें इसे न ठक ठक करने की जरूरत पड़ रही है और न ही हमें इसे हिलाने की। तो एक बार में जितनी बूंदी आ सके अपनी कड़ाही में उतना हम डालेंगे और फिर हम इस झाड़े को ऐसे हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी बूंदी तैयार हुई है। बूंदी को हमें ज्यादा देर तक नहीं पकाना होता है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे दाने में गिरते हैं तो बहुत जल्दी सिक जाता है। इसे हम आराम आराम से ऐसे चलाते हुए और निकाल लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि अपनी बूंदी पक चुकी है, इसमें से हल्की सी खनक की आवाज आएगी, आपको चलाने में भी हल्का दिखेगा, तो आप समझ जाइए कि अपनी बूंदी अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप देखिए कितनी गोल गोल कलर इसका देखिए। तो ये
ये अपनी बूंदी तैयार है। इसे हम एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम धाड़े से इसको छान के एक्स्ट्रा तेल गिरा के प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरा टिप्स बताना चाहूंगी। अगर हम दूसरी बार बूंदी डाल रहे हैं, चाहे कोई भी छाड़ा हो या कद्दूकस हो, उसको हम अच्छे से पहले पीछे से क्लीन कर लेंगे। अब देख लीजिए, हमने झाड़ी को अच्छे से पीछे से क्लीन कर लिया है। फिर हम इसको तेल पे ऐसे रखेंगे और दूसरी कटोरी से हम थोड़ा थोड़ा बेटर इस पे गिराते जाएंगे। अब देखिए कितनी आसानी से अपनी बूंदी गिर रही है। तो आपने देख लिया हमने कितनी गोल गोल बूंदी बना के तैयार कर लिया है। न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, एकदम मीडियम साइज की बूंदी हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम इस बूंदी को चाशनी में डालेंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे हम इस बूंदी को ऐसे चाशनी में छोड़ देंगे। जब ये बूंदी चाशनी को अब्जॉर्ब करेगी तो और थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा। अब हम इसे ऐसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमने जितना चाशनी बनाया था उसमें अच्छे से अपनी बूंदी आ चुकी है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम बूंदी सर्व कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अपनी बूंदी ने अच्छे से रस को ऑब्जर्व कर लिया है और एकदम रसेदार बूंदी तैयार हुई है। आप ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल होटल जैसे। आप इसको प्रसाद के लिए बनाइए या बच्चों को खिलाने के लिए बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी रस भरी बूंदी तैयार हुई है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया बूंदी तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कितना आसान है घर पे बूंदी की रेसिपी बनाना। तो इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।